तृतीय अध्याय इस पंचाध्याय में गोपी गीत है। गोपी कहती है, जानत है हम तुम जो डरत ब्रजराज दुलारे, कोमल चरण सरोज उरोज कठोर हमार। हम जानती हैं प्रियतम, आपको इसी बात का भय होगा किस प्रकार आप अपना चरण कमल हमारे हृदय पर पधरा दें। इन विकारों के कारण कठोर हो गया है हमारा हृदय, और नवनीत से भी कोमल आपके चरण कमल। जानत है हम तुम जो डरत ब्रजराज दुलारे, कोमल चरण सरोज उरोज कठोर हमारे। पर गोपियां कहती हैं, प्रियतम शनै शनै धर पीर हम ही तो प्राण प्यारे, कत अटवी मह अटत गड़त त्रिनकूट न्यार। गोपियां कहती हैं, प्रीतम आपके दूर जाने का तो कष्ट है, पर आपके उन सुंदर चरण कमलों में, उन अत्यंत सुकोमल चरण कमलों में इस आधी रात के समय तृण कंकर चुभते होंगे। आपके चरण कमलों की उस पीड़ा का विचार करके हमारा रोम रोम पीड़ा से भरा जा रहा है। हमारी पीड़ा का हरण कीजिए नाथ। नैन मूंदी वो महाअस्त्र सुन हासी हासी, मारत हो कत सुरत नाथ बिन मोल की दास। सुरत नाथ थे अशुल्क दासिका, वरद निम्न तो गोपी अर्थात जीव का सबसे सुंदर, सबसे परिष्कृत, सबसे मनोहर रूप। एक जीवात्मा अपने पूर्ण प्रफुल्लित रूप में कितनी सुंदर, कितनी मधुर हो सकती है, ये गोपी को देखकर जाना और समझा जा सकता है। कृष्ण का प्रेम ही परम है, और प्रेम बिना गोपी के भाव के आस्वादन किया नहीं जा सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि गोपी कोई और नहीं, गोपी जीवात्मा का सबसे सुंदर स्वरूप है। देखो, जैसे विवाह के लिए प्रकृति आज्ञा देती है यौवन काल, प्रकृति की आज्ञा यही है कि जब यौवन हो तब विवाह हो, व्यवस्था भी ऐसी है। अब कुछ लोग बुढ़ापे तक प्रयास करते रहते हैं, वो बात दूसरी है, पर प्रकृति की आज्ञा तो यही है कि जब यौवन हो, यौवन अर्थात जब जब तन सुंदर हो, मन सबल हो, अर्थात जब भी आप में जो भी है जब वो सबसे सुंदर हो, तब विवाह की आज्ञा है, तभी विवाह किया जाना चाहिए। ऐसे ही ये जीव और ब्रह्म का प्रणय संबंध स्थापित होने की लीला है। जब गोपी सबसे सुंदर हुई, प्रेम के अश्रुओं ने गोपी के अंतःकरण को धोकर इतना निर्मल कर दिया, जैसे गालिब कहता है कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए, पवित्र हो गई गोपी। प्रेम के आश्रयों ने धोकर गोपी का अंतःकरण निर्मल कर दिया, मन का मुकुर स्वच्छ पवित्र। अब कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और नहीं, कहीं और नहीं, कोई और नहीं। वो सहस्रों सहस्रों गोपांगनाएं आकर ठाड़ी हैं जमुना तट पर, पुकारती हैं मन प्राणों से प्रियतम को। श्री स्वामिनी जी के सानिध्य में गोपियां अनेक हैं, रूप रंग अनेक हैं, वस्त्र श्रृंगार आभूषण अनेक हैं, पर यहां पर आकर गोपियों का मन एक हुआ है। और उस मन से एक स्वर प्रकट हुआ है, बिनती सुनिए नाथ हमारी,
विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहार, मोर मुकुट पीतांबर धारी, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म 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 की लगी लगन साक्षी
तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नैन पूजा सुनिए सुनिए, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, सुनिए नाथ हमारी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ तन मन धन प्राणों के स्वामी, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नैन पुजारी विनती सुनिए नाथ हमारी, सतत प्रतीक्षा अपलक। बस यही निवेदन किया गोपी ने इस गोपी गीत में, ये प्यारे ये प्रतीक्षा आज की कल की कुछ क्षणों की कुछ घड़ियों की नहीं है। जन्म जन्म की लगी लगन साक्षी तारों भरा गगन है। और मैं कई बार विचार करता हूं कि थोड़ा सा प्रेम का स्पर्श हो तो संसार कहने लगता है कि अरे गोपी हो गई, पर गोपी होना सरल नहीं भाई। जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की धुजा, गोपी होना सरल नहीं, ये कुछ क्षणों का प्रेम नहीं है। जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है आएंगे गो नाथ सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भव बाधा विपति विमोचन। हे प्राणे, हे प्यारे, किन किन कष्टों से आपने हमारा रक्षण नहीं किया,
कैसी कैसी विपदा हम पर आई, आपके आपके चरणों का बल पाकर हम ब्रजवासी सदा अभय रहे। और आज इस प्रकार इस प्रेम की वेदी पर हमारे प्राण ले लेना आपको शोभा नहीं देता। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपति विमोचन, एक बार आकर ये कहिए स्वीकारी विनती, स्वीकारी विनती सुनिए नाथ। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब 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 प्रार्थना के शब्द भी नहीं रह जाते और गोपी गीत का गान हुआ, गोपियों ने ये प्रेम गीत, ये विरह गीत गाया, फिर कहीं आकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, कि फूट पड़ा जब हृदय का वो प्रेम, वो प्रेम जन्य पीड़ा, वो व्याकुलता। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या तन मन धन प्राणों के स्वामी, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत हैं नैन पुजारी विनती सुनिए। आपको मुझे यहां से दिखाई पड़ता है कि गोपी रोती है, पर ये श्रीमद् भागवत का एक शब्द बता देता है कि गोपी के हृदय में कैसा अद्भुत आनंद है इस कृष्ण वियोग जन्य पीड़ा में भी। तभी सुखदेव जी महाराज ने कहा रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी रोती है लेकिन गोपी का रुदन इतना मधुर है कि जैसे कोई सप्त स्वरों से सुसज्जित गीत गाता हो। सुस्वरम राजन, क्यों? क्योंकि इस शब्द के, इस स्वर के, इस गीत के, इस प्रेम संगीत के मूल में क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। श्याम घन कब बरसोगे आ, श्याम घन कब बरसोगे, कब ये मन मयूर हर खेगो, कब ये मन मयूर हर खेगो, रूप सुधा रस साए, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे आए। और यहां तृतीय अध्याय पूर्ण होता है और वहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा, और जैसे ही लालसा का परिपाक होता है, इच्छा तड़प बनी, अब प्राण जाने को है, अब प्राण जाने को आतुर हैं, प्राण पिंजरे में कैद मन सांवरिया के पास, और सांसों की ये नाव पुरानी इसका क्या विश्वास, अब प्राण जाने को हैं, और बस गोपियों की ये परीक्षा पूर्ण हुई और गोपी इस प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तासा माविर्भूत छोरी
स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर हस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। और गोपांगनाओं के उस यूथ के मध्य में प्रकट होते हैं अनंत गुण निधान रूप सौंदर्यामृत सिंधु अनंत कोटि लावण्य छवि सिंधु कंदर्प दर्प हर रसिक शेखर श्याम सुंदर राधावर महाराज राधावर महाराज राधावर महाराज राधावर महाराज। और नंददास जी लिखते हैं कहां से प्रकट हुए हैं, तब तिनही ते निक से नंद नंदन पियो दृष्टि बंध के दुर बहुर प्रगटे नटवर जो। कहां से प्रकट हुए, उन्हीं गोपांगनाओं के मध्य से प्रकट हुए, उन्हीं गोपांगनाओं के मध्य से। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल खोज के तुमको पाता नहीं, दिल खोज के तुमको पाता नहीं, तुम हो के इसी दिल में बैठे, हे मनमोहन हे मुरलीधर हम भी कुछ क्या कम थे एक और मुसीबत ले बैठे हे मन मोहन। नंददास जी मानो चुटकी लेते हैं ये कहकर कि तब तिन्ही में ते निक से नंद नंदन पियो दृष्टि बंध के दुरे ब्रहुरी प्रगटे नटवर जो। जैसे बालक एक क्षण के लिए आपकी आपके नेत्रों पर अपना हाथ रख के और झट से जाकर कहीं दूर जाए और फिर झट से आपके सन्मुख प्रकट हो जाए, बस ऐसा ही कोई लुका छिपी का खेल कन्हैया ने किया है गोपियों के संग। एक क्षण में छिप गए और एक क्षण में प्रकट हो गए, लेकिन उस एक क्षण के छिपने ने गोपियों के भीतर जो प्रेम छिपा था उस प्रेम को प्रकट कर दिया। उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर ने ये लीला की। वो जो गोपियों का प्रेम भरा रुदन, वो जो विरह, वो जो व्याकुलता, देखो भाई भोजन का सुख तो भूख में ही है, भूख है तो भोजन का सुख है, प्यास है तो जल अमृत के समान लगता है, भूख नहीं तो फिर भोजन का कोई सुख नहीं, थोड़ी भूख हो तो थोड़ा सुख है, बड़ी तीव्र क्षुधा हो तो जिभ्या पर धरते ही फिर भोजन परम आनंददायी। कुछ लोग होते हैं ना भोजन भट्ट जैसे, उनको कभी आप भोजन करते देखो उनको लगता है कि जैसे सृष्टि में इससे बड़ा कोई सुख नहीं, भोजन से बड़ा कोई और सुख नहीं। जिसको भजन में आनंद आए वो जब भजन करे तो आप उसको देखो, जिसको श्री जी बाबा सेवा का सुख दें वो सेवा का सुख पाके गर्व से कहे हरि कहा करूं बैकुंठ हे जाए, कहा करूं बैकुंठ हे जाए, जहां नहीं ना जहां नहीं गोपी। तभी गोपी कहती है अरे कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्पतरु छा,
मोहे ये ढाक सुहावने यहाँ प्रीतम की बाह। यहाँ मंगला राजभोग शयन, कभी दिखते बिहारी और कभी छिपते बिहारी, कभी सावन के झूले कभी फूलों के बंगले, कभी मल्हार और कभी धमार। मैं तो अभी शयन में दर्शन करने जाता हूं, तो अभी मैंने श्रीजी बाबा से होली खेली नहीं। कन्हैया आवे थाने थोड़ी लाज ने, ओ लाला आवे थाने थोड़ी लाज रे, लाज रे लाज रे, ओ लाज रे लाज रे, रे मारा अंग अंग कर दियो लाल कन्हैया, अच्छी मचाई रहोरी सा, मारी अखियां मारी अखियां मां पड़ गई रे गुलाल कन्हैया, अच्छी मचाई रहोरी सा, दर्शन करने। अब मुझे पता है सुबह मेरे साथ में होली होगी, शाम को मुझे शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा, कथा आज विश्राम हो जाएगी, तो मैं ये शिकायत अभी करता चलूं। रे मारा अंग अंग कर दियो लाल कन्हैया, अच्छी मचाई रे होली प्रकार, उसी गोपांगनाओं के यूथ के मध्य से पीत बसन बन माल बनी मंजुल मुरली हथ, मंद मधुर तर हसत निपट मन मत के मन मत, को चटपट सो उर लपटी को करवर लपटी, को गल लपटी कहत भले भले कानहर कपटी। और जैसे ही प्रकट हुए श्याम सुंदर, कभी कल्पना करिए, लेकिन ये गोपी और कृष्ण का कैसा मिलन है। नंददास जी कहते कोई को चटपट सो उर लपटी, को करवर सो लपटी, कोई हृदय से लिपट रही है, कोई श्याम सुंदर की बाहु लता पकड़कर उससे लिपटी है, कोई चरणों से लिपटी है, किसी ने पीतांबर का छोर पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया है, पर लेकिन ये मिलन कितना निर्मल है। एक बार श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में 42 लीला की समाज हो रही थी। पद था एक कुंज एक सेज, एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे, और एक ही बीरी दो खंड खंड खात है। सुनने वाले के मन में कोई संशय जगा होगा, एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे, एक ही बीरी दो खंड खंड खाते हैं। रहा होगा कोई मेरे जैसा व्यक्ति, उसने अपने गुरु से पूछा कि बात कुछ भीतर गई नहीं। इसलिए प्रथम दिन जब आरंभ हुआ था तो मैंने कहा था कि ये नायक नायिका का लीला वर्णन नहीं है, ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, परम पुरुष और परम भक्त का भी मिलन नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म का
वो मिलन है जहाँ ब्रह्म ने अपना ब्रह्मत्व छोड़ा है, जीव का जीवत्व भंग हुआ है और न कोई जीव है न कोई ब्रह्म है, केवल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, केवल प्रेम, विशुद्ध प्रेम, अगाध प्रेम, सांद्र प्रेम, सहज प्रेम। तो एक कुंज एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक ही बीरी दो खंड खंड खाते हैं। अब प्रेम की भाषा है भाई, इसका कोई शब्द अर्थ नहीं होता, प्रेम के गीत का कोई अर्थ नहीं होता, प्रेमी होकर बस उसका आस्वादन किया जा सकता है, प्रेम में शब्द ही अर्थ है। पर जब शिष्य ने पूछा गुरु से, तो गुरु ने कहा कि ठीक है, कभी समय आने पर उत्तर देंगे। अब क्या उत्तर देते इसका, बिना प्रिया प्रीतम के स्वरूप को जाने कोई इस लीला का रहस्य कैसे समझे। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य संयोग से मंगला आरती का दर्शन करने जा रहे थे। जाड़े के दिनों में 42 लीला होती है। मंगला आरती का समय और मंदिर के द्वार पर श्री जी की लीला, मंदिर के द्वार पर एक बालक 6 बरस का और बालिका रही होगी कोई 4-5 बरस की, एक कारी कमरिया ओढ़े, दोनों एक ही कारी कमरिया ओढ़े, और उन दोनों की जो मैया है वो उनके पास में बैठी है। हाथ से मैया लड्डू देती है बालक के हाथ में। वो बालक पहले अपनी बहन को खिलाता है या जो बालिका उसके निकट बैठी है पहले उसे खिलाता है, फिर वही लड्डू अपने मुख में डालता है। गुरु ने कहा देख तेरे प्रश्न का उत्तर है, एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे, ऐसे ही बोले वहां निभृत निकुंज में भी किसी एक कुंज में एक सेज पर एक पट ओढ़कर जैसे निर्मल भाव से ये बालक और बालिका बैठे हैं और एक मोदक परस्पर को खिलाते हैं और खाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार जैसे इनकी मैया ने इनके हाथ में ये लड्डू दिया, ये मोदक दिया, ऐसे वहाँ प्रेम स्वरूपा सहचरी प्रिया प्रीतम के हाथ में पान का बीड़ा देती है और वो प्रिया प्रीतम इसी निर्मल भाव से एक दूसरे को पवाते हैं और पाते हैं। इसी प्रकार की निर्मलता, इसी प्रकार की अपवित्रता, तिनके मल मैथुन कछु नाही, देह का कोई धर्म। इसलिए मैंने कहा कि गोपी पंच भौतिक देह से कृष्ण के पास गई ही नहीं, शरीर गया ही नहीं तो शरीर का विकार कैसे जाता, और सूर्य भी चाहे तो उसके पास में अंधकार नहीं आ सकता, सच्चिदानंद घन कृष्ण चाहे भी तो कृष्ण के निकट विकार कैसे जाएगा। अब संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा था, बोले कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो अपराध। अब संयोग क्या हुआ, संयोग क्या, ठाकुर जी की इच्छा ही हुई होगी, वो ट्रक वाला भी और मैं भी एक ही ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। अब वो ट्रक वाला मुझे मिल गया, मैंने कहा भैया ये तुम्हारी गाड़ी है, बोले हाँ इसके पीछे लिखा है, तुमने लिखाया है, बोले हाँ लिखाया है। मैंने कहा कि वैसे तो जब रासलीला हुई श्री कृष्ण की अवस्था 11 वर्ष की थी, जब तक साधारण बालक को भी काम का स्पर्श नहीं होता, उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। पर मैंने कहा बेटा रासलीला से पहले कन्हैया ने क्या क्या किया तुझे पता है, बोले नहीं। मैंने कहा 3 दिन के थे जब पूतना आई, 3 ही दिन के थे ना, 3 दिन के थे बाबा या 6 दिन के, 6 दिन के, मैंने और छोटा कर दिया, 6 दिन के थे जब पूतना आई। मैंने कहा मैं तुझे पूतना का चित्र दिखा दूं ना, तुझे 7 जन्म नींद नहीं आए, उसने 6 दिन में पूतना मारी थी। इसीलिए ब्रज की समग्र लीलाओं में रासलीला, रासलीला उस लीला मंदिर का शिखर है। उससे पहले श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, मैं तो कहता हूं कोई श्री कृष्ण को भगवान न भी माने, किसी की इच्छा ना हो, या मैं कहता हूं किसी का सौभाग्य ना हो कि उसे ऐसी बुद्धि मिली हो, यदि किसी की श्री कृष्ण में भगवत बुद्धि न भी हो तो भी कृष्ण जिस अवस्था में जो कार्य करते हैं वो करता हुआ कोई आए तो उसे रासलीला करने में भी कोई आपत्ति नहीं, पर वो सब करते हुए कोई वहां तक पहुंचे तब उसे ये विचार करना चाहिए। अरे बाबा एक धर्म पत्नी तुम्हारा जीना दूभर कर देती है, आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो,
टीवी का चैनल तो अपनी मर्जी से आप बदल नहीं पाते, और आप तुलना करते हैं कृष्ण से, कृष्ण करें तो रासलीला। ये जीव की मूर्ता है, जीव की मूर्खता। अरे फिर आज कहूं आपको, आपका मेरा सौभाग्य है आप और मैं इस पवित्र भूमि पर जन्मे, ये ऋषि मुनियों की भूमि, ये ज्ञान, ये विद्या और श्रीमद् भागवत जैसा ये भक्ति का रसायन आपको मुझे प्रसाद में मिला है। हो सके तो इस अवसर का लाभ लेना भाई। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। ये जन्म पाकर, ये जीवन पाकर अगर कोई परम फल प्राप्त किया जा सकता है तो वो केवल कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है।